मैं एक दो बातें जो यहां पे छिड़ी गई पश्तून मोमेंट के हवाले से मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि मुझसे कबल मेरे साथियों ने जिक्र किया, उनके तमाम के तमाम मुतालिबात आईन के दायरे में आते हैं, उनकी तमाम मुतालिबात, मैं खुद कराची गया, नकीबुल्ला के हवाले से मैंने ये आज आपके सामने बात रख रहा हूं कि उसको कत्ल किया गया तो क्या बयान आया कि ये हमारी हुकूमती पॉलिसी है कि टारगेट किलिंग में ऐसे लोगों को शहीद किया जाए, ये भी कोई हुकूमत हुई कि ये पॉलिसी है कि लोगों को मारा जाए, मुजरिम को पकड़ा जाए, अदालत लेके जाए, जुर्म साबित हो तो फांसी पे चढ़ाओ, जुर्म साबित ना हो तो उनको रिहा किया जाए। ये क्या बात हुई कि इदारे में लोग जो है वो आज उजरती कातिल बन गए और बर्मला कह रहे हैं कि ये हमारी पॉलिसी है, ऐसी पॉलिसी पे लानत हो जो कि वो इस तरीके से पॉलिसी बनाए। और हम राव अनवार जो नकीबुल्ला को शहीद किया गया, वो राव अनवार जो है वो अकेले नहीं है, यानी उसको पकड़ा गया और फिर आया कि वो भाग गया। बाबा एफआईआर ने पकड़ा तो इससे बढ़ के कोई है? यानी वो दुबई जा रहा था, एफआईआर ने पकड़ा एयरपोर्ट पे, फिर बात आई वो भाग गया, किससे भाग गया? अगर तुमने उसको रास्ता नहीं दिया होता तो वो भाग जाता, तो सीधी सी बात कहो। और फिर उसकी वो मजाल कि वो सुप्रीम कोर्ट को खत लिखे, वजीर आजम साहब को तो पेशी भुगतना पड़े और वो खत लिखे, कहना चाह रहा हूं कि अनवार अकेले नहीं था, उसके पीछे नेटवर्क था, तो अनवार को सिर्फ सजा न दी जाए, उसके पीछे जो नेटवर्क है उसको भी निकाब किया जाए और उनको भी सजा दी जाए। लिहाजा पश्तून भाई जो आज कुछ कह रहे हैं उन पे क्या गुजर रही है, उनकी मस्जिदें वीरान हुई, उनके दरबार वीरान हुए, उनके माओ और बेटों की दुपट्टे हवा में उड़े, अबाओ अजदाद की पगड़ियां हवा में उड़ी, उनकी मकानों को तबाह किया गया, उनकी मार्केटों को तबाह किया गया, यानी इतना भी वो न कहे कि हमारे साथ जुल्म हुआ, ये नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? हम ये कहते हैं कि हुकूमत को चाहिए, इदारों को चाहिए, हमने उनके मुतालिबात को सपोर्ट किया, उनका अंदाज को हम सपोर्ट नहीं करते, अंदाज उनका जारहाना है, वो जरा जवान है, हम पार्लियामेंटेरियन है, हमने बड़ी मार कही है तो हम प्यार की जुबान बोलते हैं, यानी जिनको वो जवान है तो जवान तो जवानी के अंदाज में बोलेंगे ना, लिहाजा उनके जायज मुतालिबात को माना जाए। और कल को फिर आप ये न कहें कि हमने बर वक्त इसका इनकी बातें नहीं मानी तो आज इनसे ये बात हो।